दोस्तों मैं हूं मोहम्मद मेराज और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अब तक हमने वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी क्रैकर्स के ऊपर, लेकिन क्योंकि दिवाली फेस्टिवल चल रहा था, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। दोस्तों हमारे साइंटिस्टों का कहना यह है कि ग्रेविटी जो है वो वेट पर डिपेंड नहीं होती है, यानी कि अगर हम ऊपर से आसमान से कोई चीज़ छोड़ें, एक हल्की और एक भारी, तो हमारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि दोनों ही चीजें सेम टाइम पे नीचे आएंगी, यानी जमीन पे जो आएंगी वो बिल्कुल एक साथ आएंगी। दोस्तों हमारे साइंटिस्टों का कहना तो यहाँ तक है, अगर हवा का प्रेशर ना हो और बैलून को और एक पत्थर को अगर एक साथ छोड़ा जाए तो वो भी सेम टाइम पे जो है नीचे आएंगे, यानी कि जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण है वो सेम टाइम पे दोनों को नीचे खींचेगा और दोनों ही एक साथ बिल्कुल आएंगे। आज हम उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारे पास एक हल्का ये पत्थर है और एक ईंट का आधा जो है टुकड़ा है, यानी दोनों में बहुत है, ये समथिंग 250 ग्राम का होगा और ये होगा 500 ग्राम का। तो दोस्तों आज हम इसी चीज को वेरीफाई करेंगे ऊपर से गिरा के कि दोनों एक साथ आती हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो हमारे साइंटिस्टों का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 8-10 बार इस चीज को चेक करेंगे और बिल्कुल एक साथ छोड़ेंगे। तो चलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए होता क्या है। दोस्तों आपने देखा कि ग्रेविटी जो है वो वेट पे डिपेंड नहीं होती है। हमारे साइंटिस्टों का कहना बिल्कुल ठीक है, हमने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हमने इस चीज को वेरीफाई किया है, यानी अगर आप 50 ग्राम का और 1 किलो का पत्थर को अगर आप ऊपर से छोड़ते हैं तो वो सेम ही टाइम पे आएंगे। हमारी जो जमीन का गुरुत्वाकर्षण है वो दोनों ही सेम टाइम पे उसको नीचे खींचता है। तो चलिए अगर वीडियो में आपको मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।